Hello everyone, my name is Anurag Srivastav. I am from Lakhimpur Khiri. I have completed my 10th plus 2 from Saraswati Vidya Mandir College, Kula Gobrinda. After that, I have completed my undergraduation from Acharya Narendra University of Agriculture and Technology, Kumarpur, Jayapur. Currently, I am pursuing Masters in Horticulture from Banaras Hindu University, admitting through CUET 2023. I want to become a part of agriculture research services. First of all, I would like to thank Vishal sir for giving me this opportunity to present my views in front of you all via his YouTube channel, Active Social Sciences by Vishal. मुझे academic performance के लिए UG में Honorable Governor of Uttar Pradesh, Chancellor and Vice Chancellor of University द्वारा University Gold Medal दिया गया है, जिसके पूरा श्रेय मैं अपने फैमिली, अपने प्रोफेसर्स और अपने ऑफिसर्स क्लब को देना चाहूँगा। ऑफिसर्स क्लब तो मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे 7 फ्रेंड्स हैं। मेरे जो गोल्ड मेडल का या जो मुझे गोल्ड मेडल दिया गया है, मैं इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह बताना चाहूँगा कि जो हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते थे तो उसी को फॉलो करते थे, उसी को रिवाइज करते थे और फिर पेपर का डिस्क्रिप्टिव आंसर उसी के अकॉर्डिंगली लिखते थे। और हैंड रिटन नोट्स को बनाने में मेरे इन फ्रेंड्स का बहुत योगदान है, क्योंकि उस नोट्स का कंटेंट क्या होना कैसा होना चाहिए, क्योंकि सभी टॉपिक एक जगह अवेलेबल नहीं होते, तो उनको स्क्रॉल करके ढूंढना, उनको अरेंज करना, फिर उसमें से शॉर्ट आउट करना कि नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, इन सब में उनका पूरा पूरा सहयोग है। और जब मैं फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी पहुँचा तो चूँकि मेरा 12th बायोलॉजी से था और मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना था, तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा कि ये कैसे होगा, बट धीमे धीमे वहाँ का मुझे माहौल अच्छा लगा, माहौल पूरा वहाँ का पढ़ाई वाला है, अगर आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे गया। फिर धीमे धीमे प्रोफेसर्स अब क्लास देते गए, उसी हिसाब से नोट्स बनाते गए हम और पेपर्स में उसी के अकॉर्डिंग लिखते गए। और उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारा लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में तो पेपर्स कैसे हुए सभी जानते हैं। फिर थर्ड ईयर का हमारा पूरा जो सेशन है प्रॉपर ऑफलाइन हुआ, और एक्रोनॉमी, इंटरमोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सबके मेजर कोर्स भी उस समय इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमने वही फिर किया, हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एग्जाम्स को लिखा। और CUET 2023 के लिए मैंने अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस हैंड रिटन नोट्स पढ़े, अपने सेमेस्टर नोट्स पढ़े, और पार्ट ए जो आता है 25 क्वेश्चंस का, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखे, वो वीडियो मुझे सफिशिएंट लगे और पार्ट ए में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। और मैं अपने आने वाले यूजी स्टूडेंट्स, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे यूजी स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप अगर मिड टर्म से पहले जो क्लासेस लेते हैं, तो जो प्रोफेसर्स की लाइंस होती हैं, जो वो क्लास बोलते हैं, वो आपका मिड टर्म में क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिखा होता है, तो मिड टर्म से पहले क्लासेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद आप अपने नोट्स पे आ सकते हैं, उनको फॉलो करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं, और अपने आंसर्स आप इस तरीके से लिखें कि वो आपके ब्लूप्रिंट्स देखें कि हाँ इसका मैटर कुछ अलग दिख रहा है, लाइक आप पैराग्राफ अपना ना लिखें, आपके पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, और फ्लो चार्ट यूज़ करें, डायग्राम यूज़ करें, इनसे आपकी जो कॉपी है ना वो अलग हो जाती है, प्रोफेसर से आपको कुछ नहीं तो ज़्यादा नंबर देगा ही उस चीज़ में। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा आप स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको आगे मास्टर्स करना है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको अभी से ही सेट कर लेना अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से, और उसी को टारगेट बना के फोकस करने लगना है, क्योंकि इससे आपका टारगेट आसान हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप टारगेट करना चाहते हो वो ईजिली क्रैक हो जाएगा। क्योंकि अभी जब हम लोग यूजी में थे तो हम लोग का उतना प्लान नहीं था कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन अब जिस कंडीशन में है जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हाँ नहीं नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर आपके साथ बोलना चाहूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि
जैसे आपको आज इकोनॉमी का टॉपिक खत्म करना है, सपोज आपको क्रॉपिंग सिस्टम खत्म करना है, तो अपने टाइम में लिखे क्रॉपिंग सिस्टम, अपने टारगेट में लिखे, उसको टाइम दें और उसको खत्म करके आगे बढ़े। तो इससे ये होगा कि आपको अपना टारगेट अचीव होगा और आपको ये चीज़ दिखेगी कि हाँ मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, तो आपको ये यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। और आने वाली यूजी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।